मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि अपनी शिप की लैब में सुपरबग बना रहा था जिससे वो प्रोटीन हासिल करेगा। इसकी वजह ये है कि फ्यूचर में प्रोटीन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए वो सुपरबग के थ्रू हाई क्वालिटी वाली प्रोटीन बना लेगा। वो सुपरबग बनाने में कामयाब हो भी जाता है लेकिन इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम में कोई खराबी हो जाती है जिससे वो सुपरबग ट्यूब तोड़कर बाहर आ जाती है। तब वो साइंटिस्ट उस सुपरबग को एग्जामिन करने के लिए उसे अपने हाथ पर रखता है लेकिन वो सुपरबग उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालती है। हमें दिखाया जाता है कि उस सुपरबग का साइज बढ़ता जा रहा है और इवन वो वहाँ पर वो छोटे छोटे बग्स को प्रोड्यूस करती है जो कि तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। फिर वो बग्स जो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं वो शिप से निकलकर वो समंदर में जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम जिलीन और लड़के का नाम जितोंग था और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी। वो लोग अपने मैगजीन्स बनाने के लिए फोटोग्राफी का काम करते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर वो लोग एक प्रोड्यूसर के असिस्टेंट से मिलते हैं। असल में थोड़ी देर के बाद यहां के बीच पर एक पार्टी होने वाली थी तो वो यहां पर इसीलिए आए थे ताकि वो अपने मैगजीन्स के लिए पिक्चर्स बना सके। इसके बाद हमें मांझी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किचन में होती है लेकिन तभी वहां के ड्रेनेज पाइप में से बहुत सारे बग्स बाहर आने लगते हैं जिन्हें देखकर मांझी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो फौरन वहां पर अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है जो उन बग्स पर स्प्रे करके उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन उनमें से एक बग को वो पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो साइंस प्रोफेसर थे इसीलिए वो इसे एग्जामिन करना चाहते थे। और जब वो उस बग को चेक कर रहे होते हैं तभी वो बग उनकी उंगली पर काट के वहां से भाग जाता है और वो वापस से उसी ड्रेनेज पाइप में चला जाता है। फिर मांझी उन्हें लेकर बीच पर होने वाली पार्टी के लिए निकल जाती है क्योंकि वो वहां की चीफ गेस्ट थी। तभी हम समंदर में काफी बड़ी हलचल होते देखते हैं और जाहिर है ये हलचल उन बग्स की वजह से हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितोंग शादी के लिए जिलीन को प्रपोज करना चाहता था और इसीलिए उसने एक डायमंड रिंग भी खरीद रखी थी। फिर थोड़ी देर बाद बीच पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर उनका प्रोड्यूसर भी आ गया था। फिर जितोंग उस डायमंड रिंग को अपने रूम में रख देता है और वो दोनों अपने मैगजीन्स के लिए पिक्चर्स बनाने के लिए बाहर आ जाते हैं पार्टी में। फिर दूसरी तरफ जब होटल खाली होता है तब दो चोर आकर वहाँ पर सबका सामान लूटने लगते हैं और उन चोरों का बॉस मशीन रूम में जाकर वाईफाई को डाउन करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद मांझी भी अपने ग्रैंडफादर के साथ उस पार्टी में पहुंच जाती है। फिर हम उन बग्स को देखते हैं जो कि समंदर में गए थे और वो स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे थे। फिर एक चोर चोरी करते हुए जितोंग के रूम में भी चला जाता है और वहां से वो उसकी डायमंड रिंग चुरा लेता है। उन चोरों का बॉस वाईफाई को डाउन करके वहां से बाहर आने लगता है लेकिन तभी वहां पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहां पर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं तो बहुत सारे बग्स उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ जितोंग जो प्रोड्यूसर का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है तभी वहां पर मांझी भी आ जाती है और वो जितोंग को पहचान लेती है क्योंकि बहुत पहले वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। और तब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जिलीन आ जाती है तो वो जितोंग को किसी और लड़की के साथ देखकर अपसेट हो जाती है और उसे नाराज होकर वहां से चली जाती है। तब जितोंग भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि होटल की लिफ्ट को साफ कर रही होती है लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे बग्स आकर उस लेडी को अपने साथ ले जाते हैं लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो मैगजीन देखने में बिजी होता है इसीलिए उसे सबके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और वो ऑपरेटर को मशीन रूम में भेजता है ताकि वो वाईफाई को ठीक कर सके क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चोरों के बॉस ने उसे डाउन जो कर दिया था। फिर एक दूसरा चोर अपने फेस को साफ कर रहा होता है लेकिन वहां भी बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और वो उसकी पूरी बॉडी में घुस जाते हैं और वो सब कुछ देखकर उस चोर की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इसीलिए वो बग्स जो उसकी पूरी बॉडी में घुस गए थे वो उसकी बॉडी को अंदर से खाने लगते हैं जिसकी वजह से उस चोर की वहीं पर ही बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। फिर जितोंग जिलीन के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि देखो वो बहुत टाइम पहले मेरी फ्रेंड थी लेकिन हाँ अब मेरे साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वो जिलीन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए अपनी रिंग लेने जाता है लेकिन उसे उसकी रिंग वहाँ पर नहीं मिलती और वो घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं ऑपरेटर को वो जैसे ही मशीन रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और उस ऑपरेटर की बॉडी को खाने लगते हैं और वो उसकी डेड बॉडी को इतना ज्यादा खा जाते हैं कि उसका सिर्फ स्केलेटन ही बचता है। इसके बाद एक दूसरा चोर उसी लिफ्ट में जाता है लेकिन तभी ऊपर से एक वॉकी टॉकी नीचे गिरता है। तब वो चेक करने के लिए ऊपर देखने जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे बग्स दिखाई देते हैं लेकिन वो सिचुएशन को समझ नहीं पाता। लेकिन तभी उसके ऊपर से उसी ऑपरेटर की बुरी हालत की डेड बॉडी लटक जाती है जिसे देखकर वो चोर बहुत
जरा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसे देख चुका था। इसके बाद हमें समंदर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बग्स के झुंड को देखते हैं जो कि थाउजेंड्स की तादाद में थे और आगे बढ़ रहे थे, और उनकी झुंड की वजह से समंदर में एक काफी बड़ी लहर बन जाती है। सेम वैसे ही जैसे कोई सुनामी आता है, जिसे देखकर सभी लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग उसकी लपेट में आ भी जाते हैं और बग्स उन पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। फिर उन बग्स का झुंड होटल में भी आने लगता है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं और पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और एक लिफ्ट में जाकर छुप जाते हैं। इसी दौरान जितोंग प्रोफेसर से मिलता है, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने बग्स एक आदमी की बॉडी में घुस जाते हैं और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं और उसे मार डालते हैं। ये देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं और उनकी हालत खराब होने लगती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उस चोर को पकड़ लेते हैं और उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं, लेकिन वो चोर सिर्फ ये कहता है कि आज सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी बात को समझ नहीं पाते। लेकिन तभी उनकी नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है, जहाँ पर लोग डरे घबराए इधर उधर भाग रहे होते हैं, और ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स चेक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तब उस चोर को मौका मिल जाता है और वो खुद को फ्री कर लेता है। फिर लिफ्ट में भी बहुत सारे बग्स आने लगते हैं, तब वो लोग आग से उन बग्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सारे बग्स वहाँ से चले जाते हैं और जितोंग को कुछ समझ नहीं आती। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वो बग्स आंट्स यानी चींटियों जैसे हैं और वो अपनी रानी यानी सुपर बग के लिए यहाँ से खाना ले जा रहे हैं, लेकिन अगर वो खाना लेने यहाँ पर दोबारा आए और उनकी सुपर बग भी यहाँ पर दोबारा आ गई तो तबाही मचा देंगे। फिर प्रोड्यूसर मांझी और कुछ लोग एक शिप पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक शिप आती हुई दिखती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस शिप पर कितना बड़ा खतरा मौजूद है। प्रोड्यूसर समझता है कि शायद उस शिप पर बियर मिल जाएगी, तब चेक करने के लिए प्रोड्यूसर अपने एक असिस्टेंट को भेजता है उस शिप पर। असल में ये शिप उसी साइंटिस्ट की होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, और इसी शिप में वो सुपर बग थी जो कि अब काफी बड़ी और काफी पावरफुल हो गई थी, और यही उन सारे बग्स की रानी थी, और वो उस लिफ्ट को तोड़कर बाहर भी आ गई है। फिर प्रोड्यूसर का असिस्टेंट जब उस शिप पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता, और ये बात उस असिस्टेंट को काफी अजीब भी लगती है। फिर होटल में बग्स का एक काफी बड़ा झुंड वापिस आ जाता है, जिसे देखकर एक चोर वहां पर कुछ गैस सिलेंडर्स खोल देता है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से भी अब बहुत सारे बग्स आ रहे थे, तो वो समझ जाता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो लाइटर जलाकर नीचे फेंक देता है, जिससे फैली हुई गैस की वजह से वहां पर आग लग जाती है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें बग्स के साथ साथ वो चोर भी जलकर मर जाता है। इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे बग्स लोगों की डेड बॉडी में घुसकर उन्हें खा रहे हैं और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मौत दे रहे हैं, और यकीन मानिए ये सीन काफी डरावना है। फिर जितोंग और बाकी लोग भी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, जहां पर जितोंग को उस चोर के पास से उसकी वही डायमंड रिंग मिल जाती है। अब क्योंकि काफी देर हो गई थी तो उस प्रोड्यूसर का असिस्टेंट वापस नहीं आया था, इसीलिए वो प्रोड्यूसर अब खुद पता करवाने के लिए शिप में जाता है। फिर वो असिस्टेंट दिखाया जाता है जिसे बेसमेंट से अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए नीचे चला जाता है। फिर प्रोड्यूसर मांझी और उनका दूसरा असिस्टेंट भी उस दूसरी शिप में पहुंच जाते हैं। मीनवाइल पहले वाले असिस्टेंट को कुछ वाइन की बॉटल्स मिल जाती हैं वहां पर, और वो उन्हें लेकर वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी सुपर बग उसे पकड़ लेती है और उसे अंदर की तरफ खींचने लगती है। फिर वो प्रोड्यूसर अपने असिस्टेंट को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाता है। तभी हम बग्स के झुंड को देखते हैं जो कि अपनी रानी के लिए यानी सुपर बग के लिए खाना लेकर आ रहे थे, और वो बेसमेंट में बनी लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उन्हें देखकर वो प्रोड्यूसर काफी डर जाता है और वो खुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुपर बग आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो प्रोड्यूसर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सुपर बग उसका पैर पकड़ लेती है और उसे अपने मुंह के अंदर खींचने लगती है। फिर वो प्रोड्यूसर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मांझी को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसके वहाँ पर जाने से पहले ही सुपर बग उस प्रोड्यूसर को अपने साथ ले जाती है। तब प्रोड्यूसर को ढूंढते ढूंढते मांझी भी बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो सुपर बग को देखती है जिसने उस प्रोड्यूसर को खा लिया होता है, और अब सुपर बग उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी मांझी वहाँ से भाग जाती है और एक केबिन में खुद को लॉक्ड कर लेती है। तब सुपर बग वहाँ का ग्लास तोड़ने लगती है और मांझी को पकड़ने की कोशिश करती है। फिर मांझी को ढूंढने के लिए जितोंग जिलीन और वो प्रोफेसर भी उस शिप पर आ जाते हैं, और वहाँ पर डेड बॉडीज देखकर जिलीन काफी डर जाती है, और अब ये लोग मांझी को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो सुपर बग अभी भी मांझी को पकड़ने के लिए उस केबिन को तोड़ रही होती है, लेकिन तभी वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब सुपर बग उनको देखकर उनके पीछे पड़ जाती है, और तभी जितोंग और जिलीन भी एक केबिन के अंदर छुप जाते हैं और उनके साथ आया प्रोड्यूसर का असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है, और सुपर बग पर अटैक करने के लिए वहाँ से वो कोई हथियार ढूंढ रहा था, और तभी सुपर बग जितोंग और जिलीन पर अटैक करने
करने लगती है, लेकिन तभी केबिन का दरवाजा खुल जाता है और सुपरबग जिलीन का पैर पकड़ लेती है। लेकिन तभी जितोंग उसे बचाने के लिए एक नुकीला हथियार लेकर सुपरबग पर अटैक कर देता है, जिससे सुपरबग जिलीन का पांव छोड़ देती है और जितोंग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि सुपरबग इंजर्ड थी, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी प्रोफेसर भी अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं। उन्हें मांझी मिल भी जाती है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर सुपरबग पहुंच जाती है। लेकिन प्रोफेसर एक एक्स लेकर सुपरबग पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान सुपरबग प्रोफेसर को नीचे गिरा देती है और उन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर मांझी काफी परेशान हो जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने लगती है। अब वो सुपरबग प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है तो तभी वहां पर प्रोड्यूसर का असिस्टेंट आकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद जिलीन भी चैनसो लेकर वहां पर आ जाती है, लेकिन जितोंग उससे चैनसो लेने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वहां की एक वायर कट जाती है। फिर वो लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन सुपरबग अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी ये तीनों से डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुपरबग उस प्रोड्यूसर के असिस्टेंट को पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है। तभी ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और अब सुपरबग उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो कटा हुआ वायर सुपरबग की बॉडी से टकरा जाता है, जिससे उसे हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये देखकर जितोंग को उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का आइडिया आता है, लेकिन जाहिर है इसके लिए उन्हें वायर चाहिए थी। लेकिन तभी मांझी उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाती है और वो अपने साथ वायर भी लाती है, लेकिन अभी भी वो वायर सुपरबग के पास नहीं जा रही थी। तब जितोंग किसी तरह करके वहां से एक वायर निकालता है और मांझी उसे एक प्लग से कनेक्ट कर देती है। अब जितोंग सुपरबग को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे सुपरबग इंजर्ड हो जाती है और वहां से पीछे हट जाती है, लेकिन वायर छोटी होने की वजह से वो प्लग से अलग हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर वो सुपरबग जितोंग पर अटैक कर देती है। तब ये देखकर जिलीन उसे चैनसो से सुपरबग पर अटैक कर देती है, जिससे सुपरबग की बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि एट लास्ट इतने बड़े खतरे से उनकी जान जो बच गई थी। फिर वो सभी वहां से बाहर आ जाते हैं और यहां पर जितोंग जिलीन को शादी के लिए प्रपोज करता है और जिलीन खुशी खुशी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और अब जितोंग उसे वही डायमंड रिंग पहनाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सुपरबग आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है और उसके हमले के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।